हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। और गुड गुड मॉर्निंग मिस। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आर यू ऑल मैम। फाइन मैम। ओके? वेरी वी आर फाइन। व्हाट गुड, अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। तो क्लास इन प्रेयर शुरू करो। ओके मिस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. गुड मॉर्निंग ओके, मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज का थॉट सबने रीड किया? हेलो, आज का थॉट क्या है, सबने रीड किया? हेलो बॉयज, बी पंचुअल यानी कि क्या? कि हमेशा हमें नियमित रहना चाहिए, अपना काम हर समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय जब चला जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो इसीलिए हमें अपने हर एक काम में नियमित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के दिन की शुरुआत हम इस अच्छे से थॉट के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो कल हमने अभ्यास में लेसन नंबर 3 के अभ्यास में हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस सीखे थे, है ना? तो नेक्स्ट सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट सेंटेंसेस में है समाधि, बंजारा, वफादार, शब, लुटेरा आदि। तो ये हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस कर लिए। इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो उस क्वेश्चन आंसर में समाधि क्यों बनाई जाती है, और इसके बाद दूसरे हमने चार क्वेश्चन किए थे कि आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। नंबर 3 था कुत्ते की वफादार, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है। नंबर 4 है बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। और नंबर 5 है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। ये सब जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े LQ है, तो इसीलिए इसे हमें 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएंगे, ठीक है ना? तो चलो आज हम पहले इसे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 से रीड मैम मैं करें। रीड करूँ? सारी अम्मत फजील हाँ ओके, चलो रीड करो। हाँ बेटा, मैम, आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही तक ही आपने लिखाया है, क्वेश्चन नंबर 5 और सब बाकी है। हाँ ओके, हम आज 5 तक रिवीजन कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, और इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। समझे? ओके मैम। फजील फजील, फजील, हाँ यस मैम, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी की याद का समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद क्या रखने रखने और उससे प्रति अपना प्रेम तब
था आसमान प्रकाट के लिए आपकी समाधि बनाई जाती है। हेलो मैम, हेलो फसील कंटिन्यू बेटा। हेलो फसील, मैम, मैं कंटिन्यू कर दूँ? हाँ ओके। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। नंबर 1, जल्दबाजी का नतीजा। नंबर 2, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। नंबर 3, एक कुत्ता का समाधि मंदिर। नंबर 4, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? आंसर, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद वफा चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनके पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया वह सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच रहा था तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। क्वेश्चन नंबर 5, शेर ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? शेर के यहाँ चोरी चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वैसे वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने मार गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी का पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट कौन ही क्वेश्चन आंसर रीड करेगा? सोहर अब्बास, हेलो।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। आप इस समाधि को और इस आई को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। जल्दबाजी का नतीजा, अब पछताया होता क्या जब चिड़िया चूक गई खेत, एक कुत्ते का समान मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? कुत्ते को अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो वो कुत्ता उनका पीछा करते हैं। अगर चोर ने कहीं सामान छिपाया होता, कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापिस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देखा कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देख चिट्ठी तोड़कर खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। शेर ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? शेर के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता शेर जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वहां जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुगंध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मिस मैं रीड करूँ? तुम्हारा नाम बेटा? सावधान कासिम रिजा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसकी
अपने अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। नेक्स्ट। हेलो मैम, हाँ बेटा, हाँ बोलो, हाँ हेलो बोलो, मैम, प्लीज हाँ थोड़ा स्लाइड सुधारण तो चेंज करो। कर। मिस हाँ हेलो, स्लाइड तो चेंज कर बेटा। हेलो, मर्चेंट मोहम्मद अब्बास। मिस नो बताओ मने तो। हाँ मोहम्मद कोई स्क्रीन प्रेजेंट करी नाखी छे, जकी नी छे, मोहम्मद जकी नी छे ने प्रेजेंट देखाय छे बेटा, तने केम नथी देखाती। यस मिस, एने क्यों एक बार हेलो टैप करे एनी स्क्रीन ऊपर। ना, पर मने तो देखाय छे बेटा, કેમ તને નથી દેખાતી બેટા? દેખાય છે કાસિમ હવે? હા મને સેકન્ડ પ્રશ્ન કે ઉત્તર લખી એ ને વહી દીકરા સમ સમાધિ ક્યાં બનાય જાય છે। ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ કોણ રીડ કરેગા? મોહમ્મદ જકી વકીલ એક વખત તારી હેલો, સ્ક્રીન ઉપર ટેપ કર પ્લીઝ। આવી ગયો હવે હેલો આવ્યું ને? હા ઓકે કન્ટિન્યુ બેટા। आप इस कहानी को और कौन कौन से सिर पर लेना चाहेंगे? मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। नंबर वन, स्लाइड थोड़ी मोटी करी ना। जल्दबाजी का नतीजा परिणाम। नंबर टू, ओके अपछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर थ्री, एक कुत्ते को समाधि मंदिर। नंबर फोर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। यस नंबर थ्री। मैं जिसको को थोड़ी स्क्रीन ऊपर करे। ओके ओके हो गया। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन का कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है, कहा गया है।
कैसिंग कंटिन्यू बेटा। हेलो मिस, हाँ मिस हेलो, नंबर 4 का तो दिखा उसको। आप नंबर 4 देख तो रहा है बेटा? उसको को यस मिस, मोहम्मद ज्योति वकील जेरी स्क्रीन पर एक बार टैप कर। जबकि बेटा वकील तेरी स्क्रीन पर एक बार टैप कर। कभी ठीक से दिख रही है बेटा स्क्रीन तो? नो मीन्स स्क्रीन एक बार उसकी स्क्रीन पर टैप करने को कहो उसको। अपनी स्क्रीन पर बेटा टैप कर, इसकी स्क्रीन तो ठीक से दिखाई दे रही है। बेटा ओके, चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा बेटा? हेलो बॉयज, हेलो हेलो, केशवानी अली वारी, केशवानी अली वारी 9 इक्वल 0, 9 इक्वल 0। बीरानी मेहंदी हसन, बीरानी मेहंदी हसन में दे रहे सब। राजधानी अली असगर, राजधानी अली असगर, हेलो मर्चेंट रिश्तेशान, हेलो शिशान मर्चेंट, संभाई से मारो होगा जा रहे से बताने हैं मैं कहाँ पे आज आओ तो। हाँ तो किम कोई जवाब नहीं आपका, कहाँ